हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गोल्डबर्ग तोड़ने वाले हैं रोमन रेंस का मुंह, और आखिर कौन जीतने वाला है बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकइंटायर एट रेसलमेनिया। ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, WWE द बम्प शो पर साशा बैंक्स आई थी एज अ गेस्ट, और उन्होंने रिवील किया कि उन्हें स्टिल इशू है लेसी एवंस एंड नेओमी के साथ, और इसीलिए आने वाली स्मैकडाउन में वो एक टैग टीम मैच लड़ने वाली है इन दोनों के साथ, और उनके पार्टनर होंगी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेली। सो इट्स ऑफिशियल, साशा बैंक्स एंड बेली वर्सेस नेओमी एंड लेसी एवंस। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर कौन सी टीम होती है विक्टोरियस आने वाली स्मैकडाउन में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या साशा बैंक्स अपना फेस टर्न लेती है इस मैच में या फिर नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बैटिंग गॉड्स से। यूनिवर्सल चैंपियनशिप जैसे WWE चैंपियनशिप वाली मैच भी काफी बड़ी होने वाली है, क्योंकि इसमें लड़ने वाले हैं टू बिग गाइस। हमने ऑलरेडी देखा है कि ब्रॉल का राउंड वन जाता है मैकइंटायर के नाम, क्योंकि मैकइंटायर ने तगड़ी 3 क्लेमोर किक दे दी थी ब्रॉक लेसनर को, और ब्रॉक लेसनर एक टाइप से नॉकआउट हो गए थे। अब ब्रॉक लेसनर आने वाली रॉ में अपना बदला जरूर लेंगे। तो जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते जाएंगे, ये फ्यूड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगी। और दोस्तों, बात करें बैटिंग गॉड्स की, तो दोस्तों ड्रू मैकइंटायर फेवरेट है जीतने के लिए मैच एट रेसलमेनिया और बनने के लिए न्यू WWE चैंपियन। एंड ब्रॉक लेसनर की बात की जाए तो वो इस बैटिंग गॉड्स में अंडरडॉग रहेंगे टू रिटेन द चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 36। पर दोस्तों, मैं स्टिल कहता हूँ कि ड्रू मैकइंटायर के लिए 100% कन्फर्म विन नहीं होगी, क्योंकि रेसलमेनिया के लिए स्टिल 4-5 वीक्स बाकी है, और इस टाइम में विंस मैकमैन अपना माइंड कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आखिर सामने है ब्रॉक लेसनर। तो फिर हमें देखना होगा कि आखिर विंस मैकमैन किसे विनर पिक करते हैं रेसलमेनिया में, और कौन होता है हमारा WWE चैंपियन एट द एंड ऑफ रेसलमेनिया। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग से। दोस्तों, हमारे यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग भी आए थे द बम्प शो पर, और वहां पर उन्होंने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है रोमन रेंस के लिए। उन्होंने ये कहा है कि वो वापस आए हैं एक बड़े रीजन के लिए, और मेरी अटेंशन एंड नजरें रोमन रेंस पर ही थी काफी टाइम से, यू नो, जब से मैंने सुना कि वो जॉर्जिया टैग से खेल रहे हैं तब से, एंड इवन तब से जब मैंने सुना वो स्पीयर देते हैं। पर ये अलग बात है कि मैं रोमन रेंस को काफी पसंद करता हूँ, काफी अप्रिशिएट करता हूँ उनके वर्क के लिए जो उन्होंने रिंग में और रिंग के बाहर किया है, एंड इवन मैं रोमन रेंस का नंबर वन फैन हूँ, और हमारे बीच कुछ दुश्मनी नहीं है, पर WWE वालों ने मुझे एक जॉब दिया है जो मुझे करना है। बेबी फेस, हील, जो भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरा तो बस एक ही काम है कि रेसलमेनिया के टाइम मैं जाऊंगा रोमन रेंस से मैच लड़ने, और रोमन रेंस का मुंह तोड़ दूंगा, उसी तरह मुंह तोड़ूंगा जैसे मैं हर किसी के साथ करते आया हूं अब तक। तो दोस्तों, ये था स्टेटमेंट गोल्डबर्ग का और रोमन रेंस। रोमन रेंस का इस पर रिस्पॉन्ड करना अभी बाकी है, तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रोमन रेंस का कैसा रिस्पॉन्स होता है इस एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट पर। पर दोस्तों, एक बात है कि रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग की ये जो फ्यूड है वो काफी धमाकेदार होने वाली है, एंड मैच तो उससे भी ज्यादा धमाकेदार। तो आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए फॉर गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, आपका क्या ओपिनियन है और WWE चैंपियनशिप मैच बैटिंग गॉड, एंड सेकेंड, आपका क्या रिएक्शन है गोल्डबर्ग के इस एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट पर। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.